नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो गया है। कोरोना का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में कोरोना पाबंदियों में ढील दी जा चुकी है। वहीं कुछ राज्यों में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार ने दीपावली से पहले राज्य में कोविड प्रतिबंधों में राहत दी है और नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। महाराष्ट्र में होटल रात के 12 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी अन्य दुकानें भी 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से आगामी त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी फिर से खोला जा रहा है, लेकिन उन्हें वाटर राइड संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। पानी वाली राइड पर फैसला राज्य कोविड टास्क फोर्स की ओर से लंबित रखा गया है। हालांकि दिवाली से पहले पानी वाली राइड पर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है। राज्य में स्विमिंग पूल के उपयोग पर प्रतिबंध भी जल्द ही हटाया जा सकता है। फिलहाल केवल प्रतियोगियों को ही स्विमिंग पूल में अभ्यास की अनुमति है। सिनेमाघर, सभागार और थिएटर को कुछ शर्तों पर राहत देने के अलावा सरकार ने पिछले महीने स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल भी खोल दिए हैं। केंद्र ने एयरलाइंस को 100% की क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी है। प्रतिबंध हटाए जाने के साथ पर्यटन ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। नई गाइडलाइन जारी कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और शारीरिक दूरी बनाकर रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो नई उपचार विधियों, नई कोविड दवाइयों से संबंधित जानकारी से अवगत रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।